तो भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु में 3 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच, और उस मैच में एक चमत्कार हुआ है, वो इसलिए क्योंकि 22 रन के स्कोर पर भारत ने 4 विकेट गंवा दिए थे और उसके बाद 212 रन टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं 20 ओवर में। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शतक बनाए हैं क्योंकि लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, पिछले दोनों ही मैचेस में 0 के स्कोर पर आउट हो गए थे। इवन विराट कोहली भी इस मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए हैं और वो T20 में उनके करियर का पहला गोल्डन डक है, लेकिन इस मैच में इंडियन बैटर्स ने कमाल किया है, खासकर रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने 69 रन बनाए, 121 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनका 5वां शतक है और कई रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं। भारत ने 212 रन बनाए 20 ओवर में और अब अफगानिस्तान के सामने 213 रन का टारगेट है। क्या अफगानिस्तान की टीम इस टारगेट को चेज कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जब तक ये वीडियो हमने आपके लिए शूट किया है, तब तक की अपडेट यही है कि रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो 11 उन्होंने लगाए हैं चौके और 6 या 7 जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 8 उन्होंने छक्के लगाए हैं। तो ये इस तरह की बल्लेबाजी शर्मा की तरफ से देखने को मिली है। लेकिन जो कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ये कि रोहित शर्मा और रिंकू सिंह उस समय बल्लेबाजी के लिए आए जब इंडिया के टॉप 4 बल्लेबाज जो थे वो आउट हो गए थे। रोहित शर्मा तो क्योंकि ओपनिंग करने आते ही है, लेकिन रिंकू सिंह ने उनका बखूबी साथ निभाया। लेकिन इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो यहां पर 190 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जो कि भारत की तरफ से T20 में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। साथ ही साथ आखिरी ओवर में 36 रन बनाए हैं, ये भी एक बड़ी चीज है। और 22 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद 212 रन का स्कोर बनाना, ये भी पहली बार ही हुआ है T20 क्रिकेट में। तो ये कुछ बड़ी और हाईलाइटेड चीजें रही अब तक की अपडेट के लिहाज से। इंडिया और अफगानिस्तान का जो मैच बैंगलोर में खेला जा रहा है, 2 मैचेस ऑलरेडी इंडिया जीत चुकी है और अब देखना होगा कि इस मैच में भी क्या इंडियन टीम क्लीन स्वीप कर पाती है और ये सीरीज जो है वो नाम अपने कर पाती है या नहीं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी इंटरनेशनल सीरीज है इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उसके बाद IPL है और फिर इंडियन टीम खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। तो उस लिहाज से ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैच का रिजल्ट क्या होगा उस पर भी आपको डिटेल देंगे, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और इंडियन टीम ने कई रिकॉर्ड्स यहां पर बनाए हैं। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटी टीवी।